एनसी थिनर यूज़ करके गंदे टाइल्स को आसान तरीके से कैसा साफ़ करने का इस वीडियो में दो टाइल, ये एनसी थिनर है, दो टाइल मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगा। जैसा देख रहे हैं गंदा, इससे भी गंदा है तो भी साफ़ हो जाएगा। पेंट वगैरह है तो जो तेल वाला पेंट है ना, ऑयल पेंट, वो भी है तो साफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रफ़ टाइल है, बाथरूम का रफ़ टाइल है, उसका ऊपर ऐसा करने का। स्मूथ ज़्यादा है तो ब्लेड से निकाल सकते हैं, इसका थिनर का सब ज़रूरत नहीं है। थिनर यूज़ करने का टाइम में ग्लव्स यूज़ करके काम करने का। ठीक है दोस्तों, हम लोग पेंटर लोग हैं, हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग काम करेंगे, नया आदमी लोग हैं तो खुजली होगा, जलन होगा, इसके वजह से ग्लव्स यूज़ करने का, ग्लव्स यूज़ करके काम करने का। ठीक है दोस्तों, ये कपड़ा लेने का, कपड़ा लेके ग्लव्स से वो एनसी थिनर थोड़ा लेके उसका ऊपर डालने का। वो नहीं निकलता ऐसे जल्दी, नहीं निकलता है तो पुराना, बहुत पुराना होगा तो उसको क्या करने का, थोड़ा देर उसको भिगा देने का, टाइल के ऊपर डाल के छोड़ देने का थोड़ा देर, ऐसा फैला के पूरा जगह फैला के छोड़ देने का। छोड़ने के बाद में थोड़ा बाद में क्या करने का, कॉटन का कपड़ा लेके उसका ऊपर मार देंगे तो वो निकल जाएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, तो पसंद आया तो लाइक करने का दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का, सपोर्ट करने का, आप लोग कमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा कमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा वीडियो डालने से रीच ज़्यादा कम हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं डाल रहा था, काम का बिजी था। अभी वीडियो मैं एक हफ्ता में एक वीडियो डालने के लिए सोच रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करने का, सब्सक्राइब करने का। ठीक है दोस्तों, लाइक करने का, कमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो आपका फैमिली में भी शेयर करने का। ठीक है दोस्तों, देखो ये कितना जल्दी साफ़ हो गया, देखो ये बहुत पुराना है, 6-7 महीने का गंदगी हो। ठीक है दोस्तों, नहीं निकल रहा है तो 2-3 बार उधर ही मारने का। ठीक है दोस्तों, अभी पहला तो ज़्यादा गंदा है तो उसको हटा देने, कपड़ा चेंज करते रहने का। अभी देखो ये कपड़ा ले लिया छोटा पीस, उससे साफ़ करने के बाद में वो कपड़ा वो हटा देने का, दूसरा कपड़ा लेने का, नया वाला कपड़ा लेके टिनर डालने का, सेम तरीके से उसको वो सफाई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रबिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं, उसका सब ज़रूरत नहीं है। अभी वो सब लेने के लिए सब आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, अभी एनसी थिनर लेने में ये प्रॉब्लम होगा आपको, ऐसा लगता है मेरे को, मालूम नहीं, अभी ऑडियंस कमेंट करेंगे तो मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, ये नींबू से भी कर सकते हैं, नींबू है हो गया, वो साबुन का पाउडर, उसमें सब ज़्यादा मेहनत लगता है। एनसी थिनर डालने से जल्दी निकल जाएगा, इसका रिजल्ट फास्ट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, वो नींबू और क्या बोलते हैं वो साबुन का पाउडर, वो सब डालने से क्या होता है, लेट होएगा, उसको भी रखना पड़ेगा, उसको वो सब टाइम ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, एनसी थिनर इस्तेमाल करने के टाइम में आप ग्लव्स यूज़ करके काम करने का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तेल का वो छिलके से ब्रश बना के जो छत का ऊपर जो लगाता है ना टाइल, उसको भी साफ़ करने का वीडियो मैं इसमें डाला हूँ, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगा, मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूँगा, वो भी देख सकते हैं। दरवाज़ा कैसा पॉलिश करने का वो भी देख सकते हैं, पूरा घर को वाटरप्रूफ कैसा करने का वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने का, चैनल